हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी, दिन है आज बुधवार का, तारीख है 8 जून। जी हाँ, ये आज का ही व्लॉग है जो आज के दिन ही जाएगा, क्योंकि कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कल जैसे ही शाम को हिमांक को डॉक्टर के पास लेकर गई, स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके गई, वहाँ से फिर मेरे को ENT वाले के पास जाना था, और आते आते मेरे को जो है आधे सिर में जो है वो दर्द हो गया। और आधे सिर का जो दर्द होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है पूरे सिर के दर्द से। मुझे लगा हो जाएगा, आराम हो जाएगा, मैं बच्चों को थोड़ी देर नीचे लेकर चली गई, बच्चे खेल रहे थे सारे, तो लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर मैंने जो है रात को खिचड़ी बनाई, थोड़ी देर खिचड़ी जो है दाल चावल जो है वो भिगोकर छोड़ दिए, ताकि मैं आराम करूँगी दवाई लेकर, तब तक जो है ये अच्छे से भीग जाएंगे, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना भी मैं आराम करूँगी। तो फिर मैंने दवाई खाई और मैं बिल्कुल कमरे में अंधेरा करके लेट गई, और कम से कम आधे घंटे के बाद मुझे आराम हुआ। तब मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने का बनाया, और हिमांक के पापा जो है उनका तो फास्ट था ही, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो खिचड़ी बनानी थी। और जो हिमांक है उसको काफ़ी आराम है, अभी आप ये कह सकते हैं कि 70% जो है हिमांक को आराम है। और ये ना, वरुण ने अभी नहाया, अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करी ना, नहाया तो उसने ये पजामा उल्टा निकाला था एक टांग, तो मैं उसको बोल रही थी कि नहीं, अपना काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं बच्चों को सिखाती रहती हूँ, ताकि पता है क्या, एक अकेला जो क्या होता है, बच्चों को आप एक एज में एक प्रॉपर टाइम पे सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो करना सिखाते ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे मैनेज करना सीख जाते हैं। मान लो कल को मैं बीमार हूँ, या मुझे कुछ हो जाता है, या कुछ भी है, चाहे XYZ चाहे कुछ भी है, लेकिन बच्चे को ना छोटी छोटी अपनी चीज़ें एटलीस्ट करने के लिए करना जो है वो आना चाहिए। तो जी, फिर मैंने कल जो है कुछ भी शूट नहीं किया, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मैं सारे काम कर रही हूँ। और इसमें भी क्या है कि जैसे दाल भिगो कर रख दी है, अभी तब तक ये जो उस दिन कपड़े धोए थे ना, ये कपड़े ऐसे ही रखे थे। मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं हिमांक को छोड़कर मैं कुछ भी ऐसा कुछ काम करूँ, क्योंकि बार बार उसकी सांस जो है उसमें दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। तो आज जो है अभी हिमांक सो रहा है, वरुण सोकर उठ गया है। हिमांक वरुण का मैं एक अच्छा सा ट्यूटर ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया है, तो 2 दिन से वरुण अभी जो है ट्यूशन जा रहा है। वरुण सुबह नहा चुका है, वरुण का ट्यूशन जो है सुबह 7 से 9 बजे का है, तो अभी जो उसको मैं छोड़ने जा रही हूँ। अभी ये 7 बजने वाले हैं, बजे नहीं है अभी 7 बजने से पहले, अभी 15 मिनट बाकी थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले जितने भी काम मैं निपटा कर जा सकती हूँ सबसे पहले मैं वो निपटा लूँ। और अभी जब वहाँ से उसको वरुण को छोड़ छाड़ के मैं आ गई हूँ वापस, पानी जो है भर दिया है। आते टाइम मैं जो है अपने और भी काम निपटाते हुए आई हूँ, जैसे मेरे को दही लानी थी, केले लेकर आने थे रास्ते में दुकान से, तो एक गली से मैं गई थी और दूसरी गली से मैं निकल कर आई थी। 2 रास्ते हैं उस घर को जाने के, तो मैं अलग अलग रास्तों से गई थी, गई किसी और से और आई किसी और रास्ते से, क्योंकि एक तरफ से ना फिर वो किराना स्टोर वगैरह पड़ता है ना, तो इंसान यही सोचता है कि कम टाइम में अपना काम जो है हाथों हाथ ये भी निपटा दूँ, वो भी निपटाते हुए चलूँ, बार बार जो उसको चक्कर ना काटने पड़े। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो है फिर गर्मी में और गर्मी लग जाए तो इंसान जो है वो बीमार हो जाता है। और मैं बीच बीच में ना मैं सबको भी यही बोलूँगी, बीच बीच में काम के बार बार है ना अपना अपना पानी पीते रहें, क्यों अपने बॉडी को हाइड्रेट रखते रहें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पियेंगे तो आप ठीक रहेंगे, खाना चाहे 5 मिनट लेट हो जाए, लेकिन पानी कभी भी लेट नहीं करना चाहिए, ना अपने लिए, ना बच्चों के लिए, ना बड़े बुजुर्गों के लिए। बस अभी दाल चढ़ा दूंगी, तब तक आटा वगैरह लगेगा और दही फेंट कर रखूंगी, तब तक जो है हिमांक के पापा के लिए खाना जो है वो बना दूंगी। अच्छा, दाल जो है मैं अभी के लिए नहीं बना रही हूँ, दाल मैं दोपहर के लिए बनाऊंगी। दाल जो है मैं खाली सीटी लगवा के रख दूंगी, तब तक घर का काम वगैरह खत्म होगा, जब तक जो है अभी तो खाना सुबह है, दही पराठा खाएंगे और दही रोटी खाएंगे, कोई दही पराठा लेगा और कोई दही रोटी जो है वो लेगा। तो दाल तो मैं सिर्फ जो दोपहर के लिए बनाऊंगी, दाल चावल। अच्छा जी, अभी जो है ना कुछ कमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कमेंट्स आए थे कि आपका घर ऑलरेडी इतना साफ़ है, तो उसको और ज़्यादा घिसने की क्या ज़रूरत है, और ज़्यादा इतना साफ़ सफाई करने की क्या ज़रूरत होती है। तो क्या होती है, अगर मैं कैमरे को बिल्कुल आपको नज़दीक ला के दिखाऊँ ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन एक अच्छी सी क्लीनिंग जो है उसकी ज़रूरत होती ही है। और आपने देखा है फर्श जो है वाइट है, वाइट टाइल्स के ऊपर जो है गंदगी बहुत ज़्यादा अलग से दिखाई देती है। मान लो बच्चे ने कुछ जूसी फ्रूट खाया है, मैंगो खाया है, या तरबूज खाया है, या कोई कचरा वगैरह खाया, कुछ भी खाया है, अगर उसका छोटा सा भी दाग धब्बा नीचे गिर जाता है ना, उस पर चींटियाँ आ जाती हैं, उस पर वो दाग
बालक से दिखाई देता है उस दाग धब्बे पे। अगर मान लो फिर थोड़ा सा भी धूल मिट्टी आ जाए ना, जैसे मान लो जाली के दरवाजे खोले धूल मिट्टी आई तो उस पर अलग से फिर वो धब्बा बहुत बड़ा अलग से नज़र आता है। तो और वैसे भी बच्चे बहुत छोटे हैं, छोटे बच्चों के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ जो है घर के में जो है साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो बस ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ रोज़ जो है रोज़ मैं डेली बेसिस पे वही काम करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ ना मैं अपनी बॉडी को थकावट करती हूँ। क्योंकि मेरा घर जो है वो डबल स्टोरी का है, काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं काम को अपने हिसाब से मैनेज करके चलती हूँ। और ये काम जो है जो आज मैं इतने अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ वो एक दिन में नहीं हुआ है, उसको मैनेज करने में काफ़ी टाइम लगा है। सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर आज नहीं, मान लो एक दिन अच्छे से काम नहीं हुआ, दो दिन नहीं हुआ, तो अपने आप इंसान ये सोचता है कि आज नहीं कल मैं ऐसा इस टाइम पे ऐसा करूँगा तो उस टाइम पे तक ये काम मुझे ख़त्म करना है। मैं हर चीज़ का ना एक टारगेट बनाकर चलती हूँ ताकि जो चीज़ें टाइम से ख़त्म हो जाएँ। तो अभी साथ साथ मैंने जो हिमांक भी सोकर उठ गया था जब मैं आटा वगैरह लगा रही थी, तो अभी माँ के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं और तब तक जो मैं कपड़ों की जो अभी तय बनाने वाले उनकी मैं तय बना दूंगी साथ साथ में, और साथ साथ में अलमारी में लगा दूंगी। नहीं तो क्या होगा, हिमांक जो है साथ साथ में इन कपड़ों को ख़राब कर देगा, साथ में बच्चा है ऐसा ही है, फेंक दे फैला दे इनके ऊपर लेट जाए और नंगे पैर ये घूमता रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ जो काम हो जाए उसको मैं निपटा दूँ और साथ साथ में इनको मैं लगा दूँ। पजामी अलग लगाऊंगी, टी शर्ट्स अलग, टी शर्ट हाफ बाजू की अलग और पूरी बाजू की अलग, पैंट अलग, जीन्स अलग, निक्कर अलग, मतलब सारी चीज़ें मैं अलग अलग लगाती हूँ ताकि अगर मान लो मैं ना भी हूँ कपड़े देने के लिए और बच्चे पीछे से कपड़े लें तो वो आराम से जो आसानी से कपड़े जो है वो निकाल पाएँ। और बच्चों को इस चीज़ का आइडिया, दोनों बच्चों को है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखे, तो बहुत बार जो है वो अपने आप भी चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा जी, मेरी एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी सारे जो है वो सवाल क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो जी मेरी एजुकेशन जो है वो PhD है, मैंने PhD किया है मैनेजमेंट से और मैं करीबन जो है 4 साल पहले मेरी PhD कंप्लीट हो चुकी है और बीच में और भी पहले कंप्लीट हो जाती, बीच में मेरे पास जो है वो दादी सास थी, उनकी उम्र करीबन 95-96 ईयर थी, तो उनके लिए बीच में मैंने PhD 1.5 साल के लिए ड्रॉप कर दी थी। और फिर उसके बाद हिमांक था, हिमांक होने के बाद जो है फिर मैंने अपनी PhD कंटिन्यू की थी, तो बीच में मैंने थोड़ा सा ड्रॉप किया था, ब्रेक लेना पड़ा मुझे। ऐसे दादी को भी मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी, बुज़ुर्ग आदमी है, बीमार है, ना देख सकता है, ना अपने आप बाथरूम तक जा सकता है, ना कुछ अकेले खा सकता है, तो इसलिए मैंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो मैंने पढ़ाई बीच में छोड़कर उसके बाद जो है मैंने अपनी PhD को कंप्लीट किया। अभी मैं जॉब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं और पीछे से रखने वाला कोई नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं कि आप परिवार में कितने मेंबर हो और आपके सास ससुर कहाँ पर हैं। तो जी मैं ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो नए व्यूअर हैं वो जो जुड़ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। तो परिवार में हम 4 मेंबर हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 मेरे बच्चे हैं, दोनों के दोनों लड़के हैं, और परिवार में और कोई नहीं है। और जहाँ तक बात है सास ससुर की, सास ससुर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। ससुर जी करीबन अभी 11 जून को उनको 5 साल हो जाएंगे और सास को तो काफ़ी लंबा टाइम जो है वो हो चुका है, मेरी शादी से पहले जो सास जो है वो गुजर गई थी। अभी इस 11 जून को यानी सैटरडे को इसके हिमांक के दादाजी को गुजरे हुए 5 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो पहले इसकी फिर जैसे हिमांक की मतलब सॉरी हिमांक के दादाजी जो है वो गुजरे थे उसके करीबन 7-8 महीने के बाद जो है हमारी मेरी जो दादी सास है वो गुजर गई थी, और उससे पहले जो है ननंद की शादी भी हो चुकी थी, और फिर जो है हम जो है मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे ही बच गए थे। तो हम लोग जो है गांव से इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ आकर हम 2 साल किराए पर रहे हैं, देन अपना यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी थी तो यहाँ पर जो है हमने अपना घर बना लिया, अपना खुद का, गांव में भी है अपना खुद का बहुत बड़ा घर, जितना बड़ा ये है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो है वो गांव में भी है। और मैं हमने गांव से यहाँ शिफ्ट होने के भी अपने भी बहुत सारे रीज़न थे, वो कभी मैं आपको बताऊंगी कभी किसी व्लॉग में, अगर कोई जानना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, अभी जो है मैं छोटी छोटी क्लीनिंग जो है मैं वो कर रही हूँ। छोटी छोटी क्लीनिंग मैं क्यों कर रही हूँ,
क्योंकि क्या है बहुत सारी क्लीनिंग क्या ऐसा होता है, जैसे मान लो आप टाइम से झाड़ू पोछा नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ये है शूज़ रैक है, हर किसी के घर के पास घर में क्या होता है शूज़ रैक के सामने कम से कम 6-7-8 जोड़ी जो है चप्पल जूते ज़रूर मिलेंगे। अचानक आपके घर पे कोई आ जाए और आपको आते ही सामने उसको चप्पल जूते दिखाई दे क्लीनिंग की बजाय, तो कि बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो एटलीस्ट जो है सबसे पहले ऐसी ऐसी चीज़ें हम करते हुए चलेंगे, जैसे ये मैंने इसकी धूल मिट्टी साफ़ कर दी, अच्छे से कोलिन से क्लीन किया इसको, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं इसको क्लीन नहीं कर पा रही थी, कोई कपड़ा वगैरह भी नहीं लगा पा रही थी, हिमांग की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने जूते चप्पल जो भी 2-4 जोड़ी बाहर थे वो मैंने अंदर कर दिए और कॉलिन से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। बाहर का ये जो मेन गेट होता है उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, उसको मैं ये शीशा जो है मिरर है उसको मैं कांच इसे कॉलिन से क्लीन कर दूंगी, और दूसरा जो है वो कपड़ा, दो कपड़े मैंने लेकर चल रखे, एक कॉलिन से साफ़ करूँ वो वाला कपड़ा, एक नॉर्मल डस्टिंग वाला जो है कपड़ा वो लेके चल रही हूँ। साथ साथ में सबसे ज़्यादा जो स्विच यूज़ होते हैं जिस कमरे में वो वाला स्विच पे भी मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट कॉलिन तो नहीं मारती हूँ, पर जो कपड़ा कॉलिन वाला होता है ना उस पर हल्का सा कॉलिन मैं लगा लेती हूँ और वो हल्का हल्का गीला हो जाता है, उसी से जो है उससे मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे मान लो कुछ खाया है चिकना हाथ लगा दिया तो उसके दाग धब्बे जो है वो हो जाते हैं सबसे ज़्यादा। और भी ये जो किचन का ये वाला यूज़ होता है, बार बार किचन में बच्चे जाते हैं, मैं जाती हूँ, हस्बैंड जाते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा चीज़ें ये यूज़ होती हैं। और इस पर जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं, ये कांच का है, थोड़ा बहुत चिकनापन जो है इस पर भी जो है वो चला जाता है। किचन में तो आप मान के चलो कि सबसे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत किचन में ही होती है, आप डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तो एक डीप क्लीनिंग की किचन को ज़रूरत हो ही जाती है। तो अभी ये पीछे की बालकनी इस ये आजकल ना बहुत ज़्यादा गंदी जो है वो रहने लगी है, उसका रीज़न क्या है कि पीछे हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड में जो है एक घर बनना शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू हुआ है, अभी तक जो है नीम वगैरह भरने का काम जो है खुदाई का काम चल रहा था, अभी नीम भरने का आगे और भी काम होंगे, पूरा घर बनेगा, अभी मटीरियल उतर रहा है। तो आप ये मान के चलिए पीछे वाली जो है बालकनी है ये तो अभी और भी बहुत ज़्यादा गंदी होगी, क्योंकि ऊपर जो जाल है जाल से धूल मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस ये साफ़ हो गया है, उसके बाद मैं बालकनी ज़रूर साफ़ करूँगी, उसके देन मैं झाड़ू पोछा वगैरह जो मुझे करना होगा या हिमांग को दवाई देनी है, बच्चों को नहलाना है, तो इस बीच जो है मैं हिमांग को वरुण को ट्यूशन से लेकर आ भी गई थी। तो आप ये मान के चलिए सुबह 6 से लेकर ये मेरे काम जो है करीबन 10:30 बजे तक मेरे कंप्लीट हुए हैं, जो एक बेसिक डस्टिंग क्लीनिंग का काम होता है, बीच में मेरे को हिमांग को संभालना होता है, वरुण को ट्यूशन भी छोड़कर आई हूँ, लेकर भी आई, बच्चों को नहाना भी करवाया है, दवाई वगैरह भी दी है, तो बहुत बहुत सारे काम हो जाते हैं करने को। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना करने को तो कुछ घर में दिखाई नहीं देता, लेकिन करने को बहुत सारे जो है वो काम हो जाते हैं। तो जी बस अभी बालकनी को भी साथ साथ में साफ़ करूँगी, और जो ये ग्रिल जो लगी हुई ना ये स्टील का है, तो इसको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर, गीला कपड़ा भी निचोड़ के अच्छे से इसको मैं तब साफ़ करती हूँ, क्योंकि धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो गर्म फिर इसको ना हम हाथ नहीं लगा सकते, हाथ जो है वो जलने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ में मैं बालकनी को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी यहाँ भी उड़कर बहुत ज़्यादा आती है, और कभी कभी बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम साफ़ सुथरी है, जितनी गंदी नहीं होती है। तो बस जी ऐसा ही चलता रहता है, ये है मेरा रूटीन, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आपके आंसर कर दिए होंगे, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो आप देख पाओ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट ये भी पूछे जाते हैं कि दी आपका व्लॉग डेली कितने बजे आता है, तो डेली 1 बजे का व्लॉग मेरा टाइमिंग फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होता है, एक दिन चेंज हुआ तो कभी भी चेंज नहीं हुआ, तो डेली 1 बजे मेरा व्लॉग आता है।